ਪੀਟੀਆਈ ਨਾਲੋਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾ ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਸਤੇ ਜੇਲਾ ਚਲੀਆਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ 2008 ਤੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ 200 ਗੱਡੀ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਮੇਡ ਰਾਂਝਾ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕਦੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਹੁੰਦੀ ਆਏ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੀਟੀਆਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਮਰਾਨਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਤੇ ਬਾਈ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਜੀ ਵਾਲੇਕਮ ਅਸਲਾਮ ਆਈ ਦਾ ਜਲਸਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਸਰਗੋਦਾ ਕੀ ਹਿਸਟਰੀ ਮੇ ਕਭੀ ਐਸਾ ਜਲਸਾ ਹੋਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਆ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਨਾ ਕਭੀ ਹੋਗਾ ਤੋ ਇਹ ਇਨ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲੋਂ ਕੋ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕੋ ਜਿਤਨਾ ਬੁਲਾ ਕਰ ਲੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਬ ਤੱਕ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੈ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲੋਂ ਕੋ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ मैं कहता हूं दुनिया के अब इमरान खान हमारी जिद बन चुके हैं ये दुनिया के जो लोग जो चाहें इमरान खान को आज सरगोधा की जलसे ने बता दिया है कि इमरान खान हमेशा इंशाल्लाह हमारा लीडर था और लीडर रहेगा लोग तरस रहे थे बाकी इमरान खान जिंदाबाद ये दुनिया की जितनी ताकतें इमरान खान के खिलाफ है सारी निशोनाबूद होगी बिल्कुल जी इमरान खान छा जाएगा एक दफा फिर मतलब लोग तरस रहे थे कि इमरान खान हमारे सरगोधा में आए और हम उसका इमरान खान का था इमरान खान का है बिल्कुल जी और रहेगा ये जितने भी है इमरान खान के सारे कागज में जाएंगे बिल्कुल ऐसी बात है इमरान खान जिंदाबाद जी तो नाजरीन सरगोधा में मौजूद है और सरगोधा में आपको पता ही है कि जिस तरह के हालात है अल्हम्दुलिल्लाह सरगोधा में वो वाली भी हयाई तो नहीं है जो आप मीडिया पे देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह औरतों का जो सिस्टम है वो अलग है और मर्दों का अलग है लेकिन इस वक्त हम स्टेडियम में मौजूद हैं और स्टेडियम के जाल के साथ हम हैं छोटे बच्चे भी हैं बड़े भी हैं उनसे हम पूछते हैं कि वो कैसा इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे तो बात करते हैं हम उनसे तो छोटे छोटे बच्चे हैं उनसे हम बात करते हैं अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम क्या हाल है ठीक है मैं बिल्कुल फिट फाट ये बताएं कैसे एंजॉय कर रही हैं बहुत ज्यादा एंजॉय बहुत मजा आ रहा है अच्छा तो आज आप पीटीआई को सपोर्ट कर रही हैं हाँ जी किस तरह सपोर्ट कर रही हैं बहुत जोश जज्बे से अच्छा तो कितने लोग आप आए हैं हम लोग पूरी फैमिली आए हैं अच्छा हाँ काफी लोग आए हैं काफी समझ ले तो बड़े अरसे के बाद इमरान खान साहब आ रहे हैं सरगोधा में तो बहुत अच्छा लग रहा है जी तो आपको कैसा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है और मैं उन्हें ये कहना चाहूंगी कि लाहौर जैसे वो सरगोधा को समझते थे कि नून लीग का गढ़ है तो अब वो नहीं है तो उन्हें आना चाहिए सरगोधा और लोगों को मोटिवेट करना चाहिए क्योंकि पिछले 2018 के इलेक्शन में भी जनरल इलेक्शन सरगोधा में सबसे ज्यादा सीट्स उन्होंने जो है लूज की थी इसीलिए क्योंकि वो सरगोधा को इतना अपनी फर्स्ट प्रायोरिटीज में नहीं रखते जबकि उन्हें रखना चाहिए ताकि लोग मोटिवेट हो और उन्हें सरगोधा बार बार आना चाहिए क्योंकि लाहौर की तरह अब सरगोधा भी नून लीग का गढ़ नहीं रहा बल्कि वो भी क्या लगाऊंगी मैं कहूंगी खान साहब आपने घबराना नहीं है वी आर विद यू और जो हैंडलर्स थे जिन्होंने रिजीम चेंज का ऑपरेशन किया है मैं उन्हें भी ये कहना चाहती हूँ कि ये आपका पाकिस्तान नहीं है हमारा पाकिस्तान है आप हमारे स्टेट के पैसे से सिविल पब्लिक के टैक्स आपको जो है हमारी पब्लिक के टैक्स से जो है आपकी सैलरीज दी जाती हैं तो आप यू आर आंसरेबल टू अस तो आप ऐसे ना करें कि अब अच्छा अब मैं इन बच्चों से पूछता हूँ कि ये आने वाले वक्त को कैसा देखते हैं अच्छा पीटीआई के बारे में कोई बात बता दें जो आपको सबसे ज़्यादा आज के दिन के लिए आज हम बहुत पुरजोश हैं पीटीआई जोनसी है बहुत सच्चा एक लीडर है इमरान खान और हम तो सपोर्ट करते हैं इमरान खान को उसने अमेरिका के नापाक इरादों को पाक में मिलाया है और हम इम्पोर्टेड सरकार को नामंजूर करते हैं और हम इमरान खान के साथ हर वक्त हैं बहुत शुक्रिया आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं औरतें हैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के जो हमारे सरगोधा शहीनों का शहर है आप वहाँ पे आकर देखें तो ज़बरदस्त है और यहाँ पे जाले काफ़ी मौजूद हैं मजीद जालों से बात करते हैं जो पीटीआई के वर्कर हैं जाले आए हुए हैं आज कितना ये पुरजोश हैं ये देखते हैं